सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है भाई लोग एक और नए वीडियो के अंदर। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले भाई लोग, जैसा कि आपको पता है हमको भाई लोग गेम खेलने के बाद और गेम खेलने के अंदर हमको जो भाई लोग ये वाला टोकन मिल रहा है नियोन स्टिक वाला टोकन। लेकिन भाई लोग यहाँ पर बहुत सारे बंदों का यहाँ पर डाउट निकल के आ रहा है कि भाई ये वाले टोकन को हम लोग एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं, कौन से इवेंट के अंदर हम लोग एक्सचेंज करें जिससे कि हमको ये वाला जो BTS क्रिस्टल वाला टोकन है ये हमको फ्री में मिल जाए। तो आपको पता ही होगा ये वाला टोकन हमको फ्री में मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बंदों के डाउट चल रहा है कि भाई कौन से इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा, इसका इवेंट कब आने वाला है और ये वाला टोकन लेने के लिए हमको कितना न्यून स्टिक वाला टोकन कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और गाइस आपको भी पता है जब हम लोग BTS क्रिस्टल टोकन को एक्सचेंज कर लेंगे तो उसका यूज हम लोग बंडल लेने में कर सकते हैं, जो कि गाइस इधर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग एक BTS क्रिस्टल टोकन से स्पिन करके एक बंडल तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इसका जो एक्सचेंज इवेंट है वो भाई लोग कब आने वाला है पूरी डिटेल यहाँ पर आपको क्लियर समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई लोग वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई लोग लाइक कर देना। एंड गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो भाई लोग सब्सक्राइब करने के बाद देखो एक बेल नोटिफिकेशन आएगा भाई लोग, उसको आप लोग ऑल पे प्रेस कर देना, ठीक है, क्योंकि भाई लोग जब भी मैं यहाँ वीडियो लाऊंगा आप लोग तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई हमारा जो वो इवेंट आएगा एक्सचेंज वाला, तो उसके अंदर भाई हमको कितने जो न्यू स्टिक वाले टोकन है वो देने पड़ेंगे एक्सचेंज करने के लिए BTS टोकन को, तो वो डिटेल यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक डाउट है यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आपका, तो यहाँ पर लगभग गाइस आपके 100 से 150 या फिर 160-170 ऐसे कुछ आपके जो नियोन स्टिक वाले जो टोकन है ना, तो गाइस इतने टोकन आप लोगों को जा सकते हैं BTS क्रिस्टल टोकन लेने के लिए, ठीक है। तो ये वाला डाउट तो मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब भाई हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई इसका इवेंट हमको कब देखने को मिलेगा, कब हम लोग BTS क्रिस्टल टोकन को ले पाएंगे, वो चीज़ भी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस यार इसका इवेंट आपको 2 अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा, जो कि गाइस इधर आप लोग देख सकते हो इन्होंने कैलेंडर के अंदर भी बताया नियोन स्टिक एक्सचेंज 2। यहाँ पर इसका जो पार्ट 2 आने वाला, मतलब आप लोग पार्ट 2 के जो BTS क्रिस्टल टोकन है भाई लोग उसको आप लोग आराम से एक्सचेंज कर पाओगे, ठीक है। इसका पार्ट 1 तो ये है जिसके अंदर आप लोग टी शर्ट वगैरह ले सकते हो, सेम इसी तरीके से भाई इसके नीचे या फिर कुछ साइड वगैरह के अंदर इवेंट आपको दे दिया जाएगा 2 अप्रैल के बाद, जिसको यहां पर आप लोग जो है इन वाले टोकन को आप लोग जो है BTS क्रिस्टल टोकन लेने में आप लोग एक्सचेंज कर पाओगे, ठीक है। और गाइस जैसे आपके पास एक BTS क्रिस्टल टोकन होगा तो उसको आप लोग इवेंट के अंदर स्पिन कर पाओगे, एंड उसके बाद आप लोग एक जो बंडल है उसको भाई लोग आप लोग ले पाओगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मेरे भाई लोग जय हिंद वंदे मातरम।